एक जमाना वो था जब भारतवासी विदेशों में जाकर मेट्रो की सुविधाओं को देखकर अचंभित हुआ करते थे। 2014 यानी मोदी सरकार के आने के बाद एक जमाना आज वो है जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में 860 किलोमीटर की मेट्रो सुविधाएं हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों का नाम है। और इसके अलावा भी 971 किलोमीटर की मेट्रो सुविधाएं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, चाहे सूरत की बात करें, पटना की बात करें, गांधीनगर, सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करें। मोदी सरकार ने पिछले कई सालों में अलग अलग इनिशिएटिव्स मेट्रो सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लिए, चाहे वो मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 हो, चाहे वो ऑटोमेटिक सुपरविजन एक्ट हो, चाहे वो ट्रांजिट ओरिएंटेड सिस्टम हो, या फिर ट्रेन की सुविधाओं को बेहतर करना हो, अलग अलग चीजें हो। और भी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो कानपुर में 9 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी सेक्शन सैंक्शन हुआ था, वो सैंक्शन होने के 2 साल में शुरू कर दिया गया, वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा नागपुर यानी महाराष्ट्र में जो नागपुर की मेट्रो सुविधाएं हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज उनका हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है डबल डेकर लॉन्गेस्ट मेट्रो का। ये अपने आप में कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। आज हिंदुस्तान के लिए मेट्रो लाइन सिर्फ मेट्रो लाइन नहीं बल्कि लोगों के लिए उसकी लाइफ लाइन बन चुकी है, क्योंकि महिलाओं के लिए चाहे लेट नाइट ट्रैवलिंग हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग हो, वो सुरक्षित हो गई है। चाहे हम बात करें हार्श वेदर से बचने की, तब आपके लिए सुविधाएं अच्छी, ट्रैफिक से बचने की बात करें तब, और पॉकेट फ्रेंडली भी ये है। ये सब किसका कमाल है? ये मोदी सरकार का कमाल है। जहां लोग हमारे देश की कई बार आलोचना किया करते थे, आज हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुस्तान को ही गर्व होता है।